हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपके भी मोबाइल के डिस्प्ले पे ऐड आना स्टार्ट हो जाता है, ऐड आता है, जैसे कि मेरे फ़ोन में क्या होता है, मैं जो भी चीज़ यूज करता हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ पे यूज करता हूँ और सिर्फ यहाँ पे बार बार ऐड आ जाता है, डिस्प्ले पे बार बार ऐड हो जाता है और मैं परेशान हो जाता हूँ। किसी टाइम में मैं बिज़ी रहता हूँ, किसी टाइम में कोई और इमरजेंसी काम करता रहता हूँ, उस टाइम में क्या होता है, मोबाइल के डिस्प्ले पे डायरेक्ट आ जाता है, ऐड आ जाता है, मैं परेशान हो जाता हूँ, ये कैसे होगा। तो आइएगा, आज हर मोबाइल में अभी के टाइम में मैं देखता हूँ कि हर के मोबाइल में डिस्प्ले पे बार बार ऐड आ जाता है। अगर आपके भी मोबाइल में ये प्रॉब्लम आ रहा है और बार बार डिस्प्ले पे ऐड आ जाता है, तो आज का वीडियो जो है 100% वर्किंग वीडियो है, जो आप लोग इस वीडियो के मदद से अपने ऐड आना बंद कर सकते हैं अपने कोई भी मोबाइल में। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से देखना, क्योंकि दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले भाई की इस वीडियो को लाइक कर दो, उसके साथ साथ यहाँ पे वीडियो के नीचे एक लाल बला होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में एक बेल आइकन है, इस पर क्लिक करके ऑल प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, इससे आपको ये फायदा है कि इसी तरह का कोई भी टिप्स एंड ट्रिक या कोई भी नॉलेजेबल वीडियो आएगा तो सबसे पहले आप लोग देख सकते और कुछ नया सीखकर आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस ऐड को ख़त्म करने के लिए, बिल्कुल ही परमानेंट के लिए ख़त्म करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली सबसे पहले अपने सेटिंग को ओपन कर लेना है। चलिए दोस्तों, मैं सेटिंग को ओपन कर लिया हूँ। सेटिंग को ओपन करने के बाद गाइज स्क्रॉल डाउन ऊपर करना है। चलिए दोस्तों, ओपन कर दिया हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइवेसी, प्राइवेसी का एक ऑप्शन है, आपको यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए गाइज, मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे देख सकते हैं इसमें आपको क्या है, आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। चलिए गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइवेसी पॉलिसी, आपको इस पर क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करना है और गाइज नीचे देख सकते हैं एडवांस का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद एड्स का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है और ऐड वाले पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले डिलीटेड यहाँ पे, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं डिलीट यहाँ पे लिखा हुआ, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक कर देते ये आपको ख़त्म हो जाएगा। फिर से आपको न्यू पे क्लिक करना है, कंफर्म पे क्लिक करके इसको फाइनली आपको रिसेट कर देना है। ये चीज़ आपको सबसे पहले आपको कर लेना है, करने के बाद पूरा बैक आ जाना है। बैक आने के बाद उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद फिर से सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद गाइस गूगल का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए गाइस, क्लिक कर दिया हूँ। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है और गाइस यहाँ पे एक ऑप्शन है, देख सकते हैं एड्स का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं इस पर आपको क्लिक करके और कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। ये दो चीज़ सबसे पहले आपको कर लेना है, करने के बाद आपको पूरा बैक आना है। बैक आने के बाद फिर से आपको सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद स्क्रॉल ऊपर करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं ऐप वाले ऑप्शन में जाना है। ऐप वाले ऑप्शन में जाने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ऐप मैनेजमेंट है, इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए गाइस, मैं क्लिक कर दिया हूँ। क्लिक करने के बाद इसके अंदर में जो भी ऐप रहता है दोस्तों, इसके अंदर में जो भी ऐप रहता है यहाँ पे आपको शो करेगा सबसे ऊपर, वो जो है आपको वायरस होता है, वो जो वायरस वाला जो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाता है, तो उसको यहाँ पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना, अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल करने के बाद पूरा बैक आ जाना है। ये तीन सेटिंग सबसे पहले आपको कर लेना है। ये तीन सेटिंग करने के बाद सिंपली अपने एक क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। चलिए गाइस, क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया हूँ। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद दोस्तों करना है क्या, यहाँ पे थ्री लाइन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। थ्री लाइन पे क्लिक करने के बाद सेटिंग पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद गाइस यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है थीम्स, उसके बाद गाइस यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं एक ऑप्शन है एड्स का, एक ऑप्शन है एड्स प्राइवेसी, इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए गाइस, मैं क्लिक कर दिया हूँ। क्लिक करने के बाद ऐड टॉपिक पे क्लिक करना है और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको जो ऑन है यहाँ पे ऑफ कर लेना है। सबसे पहले इसको जो है ऑन है ऑफ कर लेना है। ऑफ करने के बाद फिर से आपको सेकंड वाले पे भी यहाँ पे देख सकते हैं इसको भी ऑफ कर लेना है। ऑफ करने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं इस पे भी क्लिक करके ये तीनों को यहाँ पे ऑफ कर देना है। करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है,
उसके बाद आपको पूरा बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको 100% जो मैं बताया हूँ ये चार सेटिंग अगर कर लेते हैं तो आपका डिस्प्ले पे ऐड आना बंद हो जाएगा। और 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ आप लोग इस तरीका से अपना ऐड आना बंद कर सकते हैं। सो गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप लोग के भी फ़ोन में इस तरीका का इशू आता है, बार बार डिस्प्ले पे ऐड आता है, तो इस तरीका से अपने ऐड को आना बंद कर सकते हैं। सो गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं। और मैं यही चाहता हूँ मैं अपने वीडियो के माध्यम से अपने दोस्त को कुछ अच्छे नॉलेज दूँ ताकि वो कुछ अच्छे करें। तो चलिए दोस्तों, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, जब तक थैंक यू।